ये बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैंने बाजीगर पिक्चर की थी तो मेरा स्क्रीन टेस्ट नहीं किया था, लेकिन व्हेन आई वाज सपोज्ड टू डू माय फर्स्ट फिल्म विद चीची, आई वाज कॉल्ड इन फॉर अ स्क्रीन टेस्ट बाय के रविशंकर, और तभी आंखें रिलीज हुई थी एंड मैं बहुत बड़ी फैन थी गोविंदा गोविंदा के साथ मुझे स्क्रीन टेस्ट कर रहा है। तो आई रिमेम्बर स्टैंडिंग, आई थिंक यहीं पे अंधेरी में हम लोगों ने वो स्क्रीन टेस्ट किया था उस बंगले पे। तो ही वॉक्ड इन और वो जो दृश्य है मैं आज तक भूल नहीं सकती, बिकॉज दैट वॉज रियली यू नो चीची वॉकिंग इन थ्रू द गेट्स, ही वॉज वेरिंग वाइट, आई स्टिल रिमेम्बर दैट, इट वॉज 20 years अगो। और लोग चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, गिरते पड़ते ऑटोग्राफ मांग रहे थे, क्योंकि आंखें तभी रिलीज हुई थी। इट वॉज क्रेजी एंड दैट वॉज यू नो ट्रूली द टाइटल ऑफ दिस फिल्म, एंड आई वाज लाइक हीरो आ गया। मैं अपने सारे डायलॉग भूल गई थी एंड इट वॉज एक्चुअली चीची दैट जो थोड़ा बहुत अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है लोगों से आज भी अपने डांसिंग पे, जो थोड़ा बहुत मैं सीख पाई हूँ इस इंडस्ट्री में, द फर्स्ट टीचर वॉज चीची ऑन माई आउटडोर, ही वॉज द वन हु टॉट मी हाउ टू से माई डायलॉग्स, क्योंकि मैंने कोई एक्टिंग में ट्रेनिंग नहीं दी थी ली थी। और मुझे याद है हम लोग गोभी चट्टी पलेम में शूट कर रहे थे, मैं काली हो गई थी, मैं ऑलरेडी थोड़ी सी काली हूँ, आई वॉज बॉर्न टैन, बट चीजें आई वॉज वेयरिंग दिस आउटफिट, आई वॉज वेयरिंग समथिंग इन वाइट, हम लोग वो शॉट कर रहे थे, यू रिमेम्बर, डोंट टेक दिस शॉट, सो टेरेबल, ये आएगा ये गंदा सा शॉट। सो एनीवे हम लोग, मैं डांस कर रही थी, मैं फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी आंखें जो है ऐसी हो गई थी, बिकॉज इट वॉज हॉट, इट वॉज सम 45 degrees Celsius, और मैं वाइट कपड़े पहन के मैं काली हीरोइन वहाँ पे खड़ी थी, मैं पूरी तरह से टैन हो गई थी। चीची कम्स और मैं आधे घंटे से वहाँ पे रिहर्सल कर रही थी कि चीची के साथ मुझे डांस करना है तो मैं पागल लगूंगी। तो आई हैव रिहर्स्ड विद द डांस कोरियोग्राफर, चीची आए, हाँ क्या है स्टेप, तो उन्होंने कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप वेप सारा दिखाया, जो थोड़ा बहुत मैंने आधे घंटे से मैं सीख रही थी वो मैं भूल गई, क्योंकि चीची स्टेप करते नहीं है, चीची समझते हैं और इमोट करते हैं स्टेप को। तो वो डांस कब, तो एक्चुअली जब मैं पूरे ट्रेलर को देख रही थी, उनके गाने को देख रही थी, मैं चीची को बोल रही थी मैं आपकी डांसिंग को देख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि आप जो भी करते हैं आप डांस अपने चेहरे से करते हैं, बिकॉज यू डोंट नीड टू सी हिम डांस, यू सी अ क्लोजअप ऑफ गोविंदा एंड यू फील द मस्ती, यू फील द एनर्जी। एंड आई रिमेम्बर दैट शॉट, मैं ट्राई करी थी, आई थिंक कुछ 10 retake हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी वजह से, तो आई थिंक वो थक के उन्होंने मुझे साइड में लिया, अपनी काली हीरोइन को साइड में लिया उन्होंने और बोला कि फील द स्टेप, एंड फ्रॉम दैट डे ऑन दैट्स व्हाट आई डिड। सो दैट यू नो व्हाट यू सी ऑफ मी ऑन स्क्रीन नाउ, व्हेन एवर आई डू अ डांस आई थिंक कि अगर गोविंदा होती तो कैसे करते इसको, सो आई ट्राई टू ऑलवेज कॉपी दैट, एंड दैट रियली आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ही इज एन एक्टर ऑफ आर एक्सलेंस, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। सो ही समबडी वी हैव एडमायर्ड, लाइक मनीषा सेड, स्टार्टेड आउट एज अ फैन, एंडेड अप मेकिंग अ फ्रेंड, एंड आई एम हियर नॉट एज एन एक्टर बट एज अ फ्रेंड, एंड आई रियली आई फील वेरी हैप्पी इन व्हाटएवर ही डज। आई थिंक जो उनकी स्माइल है वो बहुत प्योर है, और बहुत कम लोग हैं जो अपने इनोसेंस को इतनी देर तक रख पाते हैं, वो इनोसेंस चीची में है और वो बरकरार रहे, एंड दैट इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम हिम एवरी डे, एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड बट आई कैन बाय द लैंग्वेज अंडरस्टैंड एंड आई नो हैव अ लॉट ऑफ फन, सी लुक एट मी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी व्हेन आई सी पीपल, प्रोबब्ली आई गो बैक, कम